हाय दोस्तों, मैं हूं साइरस फ्रॉम healthysyrus.com और आज का वीडियो एक बहुत सीरियस वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले रोहित खत्री ने एक वीडियो डाला जिसमें उसने बताया कि हमें कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, कार्ब्स लेने से काफ़ी सारी डिजीजेज होती हैं, और वो 500 ग्राम प्रोटीन लेता है और वो खाली प्रोटीन और फैट पे ही जिंदा रहना चाहता है, कार्ब्स अवॉइड करना चाहता है। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, उसको बहुत बुरा भला कहा, उसको काफ़ी गालियां भी निकाली लोगों ने, और उसके सपोर्ट में अभिनव महाजन ने एक वीडियो बनाया। उसने बताया कि हमें एक नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, हमें जो सही है वो बताना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम किसी को गालियां निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो दामन जो है हमारा ही मैला होता है। तो हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है किसी को बुरा बोलना, गलत बोलना, लेकिन जो सही है हम वो बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर का बटन है प्रेस करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, कार्ब्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वह है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह की शुगर है, जब ये ब्रेक डाउन होती है बॉडी में वो एक ग्लूकोज बन जाती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से हमारा जो ब्रेन है उसको एनर्जी मिलती है, हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है कार्ब से, क्योंकि जो कार्ब्स है वो बॉडी का एक मेन सोर्स है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। कार्ब से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिंस मिलते हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो अगर बैलेंस रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से रहते हैं। और दोस्तों, कोई भी अगर बैलेंस डाइट है, अगर उसमें कार्ब्स नहीं है तो बैलेंस डाइट नहीं हो सकती। अगर आपका गोल फैट लॉस है या मसल बिल्डिंग है तो कार्ब्स के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात करते हैं प्रोटीन की। रोहित खत्री ने बोला कि वो 500 ग्राम प्रोटीन खाता है। दोस्तों, 500 ग्राम छोड़ो, अगर मुझे 100 ग्राम प्रोटीन भी अफोर्ड करनी पड़े तो बहुत महंगी होती है। हमारे देश में प्रोटीन वाकई बहुत एक्सपेंसिव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो फूड से हमें मिल सकता है, तो प्रोटीन एक अफोर्डेबल नहीं है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, मान लो आप अब ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो जिस तरह से रोहित खत्री ने बताया 500 ग्राम, तो दोस्तों क्या होगा उससे? आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब आप कार्ब्स नहीं खाओगे आपको फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर हेल्प करता है प्रोटीन अब्जॉर्प्शन में। जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आपको बवासीर की बीमारी हो जाएगी, उससे रिलेटेड कई और बीमारियाँ हो जाएंगी। आपका जो ब्रेन है सही से काम नहीं कर पाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आफ्टर वर्कआउट आपको प्रोटीन के साथ कार्ब्स लेना ही लेना है, अगर मसल बिल्डिंग आपका गोल है या फैट लॉस गोल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। फैट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप ज़्यादा फैट खाओगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज हैं। अगर आपका फैट लॉस का गोल है तो आप कभी भी उसको प्रॉपर अचीव नहीं कर पाओगे अगर ज़्यादा फैट खाओगे। फैट की एक लिमिटेशन है, आपकी टोटल डाइट में 20% फैट ही आपको लेना चाहिए। और जो फैट होता है दोस्तों, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो जैसे मैंने बताया, फैट जो है कभी भी डाइजेस्ट नहीं होने देगा प्रोटीन को। तो दोस्तों, ये मेरा टोटल वीडियो था। आप कार्बोहाइड्रेट को कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और मैं इतना कहना चाहता हूँ, नो डाउट रोहित खत्री ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन किसी को गालियाँ निकालना किसी का हक नहीं है। दोस्तों, आप यूट्यूब पर जाके उसको फीडबैक देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर अगर आप गालियाँ निकालोगे, बुरा भला कहोगे, तो दामन आपका ही गंदा होगा, उससे एक नेगेटिविटी फैल जाएगी। हमें सब यूट्यूबर को मिलके उस नेगेटिविटी को दूर करना है, आपस में मिलके काम करना है, ताकि हमारा जो मेन गोल है वो फिटनेस का गोल है, लोगों को फिटनेस टिप्स देने हैं। और अगर आप देखो, गुरुमान सर हो गया, जीत सलाल हो गया, गौरव तनेजा हो गया, ये ऐसे चैनल हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। अगर आप डिटेल्स चाहते हो, फिटनेस के बारे में जानना चाहते हो, एक्सरसाइज हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, ये ऐसे चैनल हैं जो आगे लेके जा रहे हैं, आपको इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, मुझे आप मैसेज कर दें इसी वीडियो पे, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव।